नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम यूएस में हैं और आपको यूएस के तमाम खूबसूरत स्थानों का भ्रमण करा रहे हैं। आज हम आपको सैन फ्रांसिस्को के एक बहुत ही खूबसूरत स्थान पर ले चल रहे हैं और इस समय हम सैन फ्रांसिस्को के बेकर बीच पर, जो पैसिफिक ओशन के तट पर स्थित है, वहाँ पर हैं। और ये हमारे सामने दिखाई दे रहा है गोल्डन गेट ब्रिज। 6 लेन वाला यह पुल 1.7 माइल लंबा है, जो दक्षिण में सैन फ्रांसिस्को से उत्तर में मॉरिन काउंटी को जोड़ता है। विशेष बात यह है कि यह अमेरिका के नेशनल हाईवे 101 और स्टेट हाईवे 1 का हिस्सा है। 1937 में जब ये पुल बनकर तैयार हुआ था, तब ये दुनिया का सबसे लंबा झूलता हुआ पुल था, लेकिन अब ये सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया दोनों का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बन गया है। दुनिया भर से यहाँ आए सैलानी इस गेट को देखने और इस पर सफ़र करने के लिए आतुर रहते हैं। सैन फ्रांसिस्को एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है और यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं। अद्वितीय दृश्यों और समुद्री शेरों के समुद्र से लेकर चाउडर ब्रेड बाउल और कैलिफोर्नियाई वाइन तक सैन फ्रांसिस्को की यात्रा पियर 39 से शुरू होती है। पियर 39 जो है फिशरमैन घाट के एज पर नॉर्थ बीच चाइना टाउन के पास में स्थित है और यहाँ से खड़े होकर समुद्र का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। मुख्य बात यह है कि पियर 39 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में एक घाट पर बना शॉपिंग सेंटर और लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। यहाँ की विशेषता है कि पियर 39 में दुकानें, रेस्ट्रा, वीडियो आर्केड, स्ट्रीट परफॉर्मेंस, एक्वेरियम ऑफ द बे, वर्चुअल 3D राइड्स और पियर 39 के खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, यंगस्टर्स, सभी के लिए कुछ न कुछ यहाँ पर है। और ये हमें सामने एक पर्ल का शॉप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये तुरंत सामने पर्ल निकालते हैं। तो चलिए शॉप के अंदर चलते हैं। The pearl is real. This pearl is real. The pearl is real. Just the model is plastic. इसी पियर 39 के पश्चिमी किनारे पर तैरता हुआ एक राफ्ट है, जहां पर 100 से अधिक समुद्री शेर रहते हैं, यानी सी लायन का ये घर कहा जाता है। इनकी संख्या मौसम के अनुसार बदलती रहती है, कभी ये ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। पहले ये समुद्री शेर यहाँ नहीं रहा करते थे। जब 1989 में लोमा प्रीटा भूकंप यहाँ आया, तो यहाँ के जो नाविक थे, उन्होंने अपनी नावों को दूर ले जाना शुरू कर दिया, जिससे समुद्री शेरों के लिए घूमने और आराम करने के लिए खाली जगह हो गई। आसपास यहाँ बहुत सारी मछलियाँ होने के कारण इनका आहार का सिस्टम यहाँ ठीक हो गया। एक तरह से इन्हें जीवन यापन के लिए एक अच्छा स्थान मिल गया, भोजन के लिए प्रचुर मात्रा और रहने के लिए सुरक्षित स्थान के कारण अब इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इतनी बढ़ गई है कि अब ये यहाँ से आसपास के दूसरे घाटों पर भी मूव करने लगे हैं। ये ज़रूर है कि लोमा प्रीटा भूकंप आने के बाद ही यहाँ पे जब ये स्थान खाली हुआ, तो बहुत सारे सी लायन यहाँ मूव कर गए और अब कुछ वर्षों बाद फिर से ये स्थान नाविकों से और बड़े बड़े क्रूज यहाँ चलने लग गए हैं। पास में ही फिशरमैन घाट भी है, लेकिन फिर भी इन समुद्री शेरों ने यहाँ अपना अच्छा बड़ा कुनबा बना रखा हुआ है और ये परमानेंटली यहाँ पे दिखाई देते हैं। सब वर्ष भर यही रहते हैं। हालांकि ये स्थान सड़क से नहीं दिखाई देता है, जब पियर 39 पर आते हैं तभी उसके एज पर हम आते हैं, तब हमको ये समुद्री शेर दिखाई देते हैं और इनकी बड़ी रेयर साइटिंग होती है। ये तो लकीली ये यहाँ पर आ गए हैं ऐसी जगह पे कि इतनी बड़ी संख्या में हम लोग इनको देख पाते हैं। दोस्तों, हम अपने अनुभव से ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक सैन फ्रांसिस्को वाटरफ्रंट के साथ स्थित पियर 39 का स्थान गोल्डन गेट और बे ब्रिज, अलकार्ड्स और एंजल द्वीप समूह और प्रसिद्ध शहर के
क्षितिज के पोस्टकार्ड दृश्यों के लिए चित्र परिपूर्ण परिदृश्य प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपको सैन फ्रांसिस्को के किसी और स्थान पर ले चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।